सर मैं स्पष्ट किसे आपके सामने सब पूरा रखा हुआ है। मेरे साथ में दुर्गंत भोईर साहब ने भी चर्चा की, वो भी रिपिटिशन करने की तैयारी में थे। घनश्याम मौलवी जो उनके साथ में है, उनका भी आरक्षण उसी तरह से किया, वो भी रिपिटिशन करने की तैयारी में थे। नामदेव भगत साहब, उनकी लड़की के यहाँ भी ऐसा आरक्षण डाला है, वो भी तैयारी में थे। पूनम के जो हस्बैंड है, उन्होंने भी मेरे से बात की थी। फिर हर जगह में जिन्हों जिनके वार्ड में ऐसा किया हुआ है, सब लोगों ने मेरे से बात की थी। मैंने उनको कहा था कि सब लोग मिलकर करते हैं, लेकिन वो किस कारण से आए नहीं मुझे पता नहीं है। लेकिन हमने जो स्टडी किया वो पहले शुरू किया हमने हमारे वार्ड क्रमांक 16 से। जब ही इन लोगों के सभी लोगों के फोन आ गए, तो हमने पूरे नई मुंबई के सभी वार्ड का हम लोगों ने वहाँ पे जब स्टडी किया, तभी हमारे सामने आए कि 2005 में 111 वार्ड था ही नहीं है, तो वहाँ पे आरक्षण कहाँ से आ गया। 103 वार्ड 2005 में था ही नहीं, 103 वार्ड 2010 में भी नहीं था, 2005 में भी नहीं था, तो ये आरक्षण कहाँ से आ गए। तो ये लोगों का दिशा भूल करने के लिए इन्होंने किया। और स्पष्ट तौर पे आपके जानकारी के लिए बोलता हूँ, आप लोगों ने देखा मेरे पास सीढ़ी है, जो लॉटरी सिस्टम करते जो हर साल अब 2-5 साल के बाद में जो विष्णुनाथ बाबू नाट्यपुरम में जो वहाँ पे लॉटरी सिस्टम होती थी, 4-4, 5-5 घंटा जाता था वहाँ पे निकालने में। इस बार कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, 5-6 चिट्ठी निकाला, लॉटरी निकाला और इतने इतने बार ये हो गए और इतने बार ये हो गए करके डिक्लेयर कर दिया। लॉटरी कहाँ की, नहीं कहाँ पर निकाली इन लोगों ने, निकाली ही नहीं। और लॉटरी निकालने का कुछ मीनिंग ही नहीं था, क्योंकि 2-2.5 महीने पहले ही डिक्लेयर हो गया था कि MK Avenue का वार्ड क्या होने वाला है, वहाँ पे दीघा में वार्ड क्या होने वाला है, ये सब पहले ही डिक्लेयर हुआ था। तो इसका मतलब तुम लोग पारदर्शी काम किया ही नहीं है। और मैं दावे के साथ में कहता हूँ ना आपको, मैं प्रेस के सामने दावे के साथ में कहता हूँ, ये जो किया गया वो जानबूझ के करके नई मुंबई का सत्ता हासिल करने के लिए किया हुआ है 100%। अगर पहले से लॉटरी सिस्टम नहीं होती थी, तो 2 महीने पहले लॉटरी सिस्टम से पहले विष्णुनाथ बाबू नाट्यपुरम में लॉटरी सिस्टम होने से पहले 2 महीना पहले सबको वार्ड किसका वार्ड क्या है कैसा मालूम पड़ा। लोगों ने तो प्रचार भी चालू किया था उस टाइम पे। चुनाव आयोग जो मेन है वो नहीं है, वहां के जो लोकल जो यहाँ पे उपायुक्त करके बन के आए थे जो अविनाश सरस, वो उनके साथ में मिला हुआ है, उन्होंने मिस गाइड किया निवडणूक आयोग को। और नई मुंबई के तत्कालीन कमिश्नर को डेप्यूटी कमिश्नर अमोल यादव ने मिस गाइड किया, लेकिन ये करते वक्त तत्कालीन कमिश्नर का भी फर्ज था कि जब भी निवडणूक आयोग ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, तो मेरी नई मुंबई कॉरपोरेशन की इलेक्शन 6ठी है कि 4थी है, इतना तो कमिश्नर को पता होना चाहिए अध्यादेश में देते वक्त। इतना झूठा अध्यादेश में लिख सकते हैं क्या, अध्यादेश इतना झूठा लिख सकते हैं क्या? इसके अंदर अध्यादेश में उन्होंने लिखा है कि 2006-2007 में रिपिटिशन औरंगाबाद खंडपीठ में हुआ है, उसके बाद में रिजल्ट आया हुआ है। हाँ, और मेन बात बोलना भूल गया, वो जो औरंगाबाद खंडपीठ ने जो निर्णय जो दिया है वो पैनल सिस्टम के लिए दिया हुआ है, सिंगल वार्ड के लिए नहीं है। यहाँ पे वो भी करके ले लिया। तो ये जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निवडणूक आयोग के डेप्यूटी कमिश्नर अविनाश सनस, उसके अलावा जो डेप्यूटी कमिश्नर अमोल यादव, उतनी जिम्मेदारी तत्कालीन आयुक्त की है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है ना। और आयुक्त इसमें लिखा है कि प्रामाणिक उत्कृष्ट अधिकारी का टीम आपको लेना है। पेंडारी क्यों गया, वो भी पेंडारी का भी ब्रेन मैपिंग ले लो। तत्कालीन आयुक्त का भी नाम लीजिए ना साहब जी, आपको पता है ना, आप तो मेरे से वो भी आगे है। तत्कालीन आयुक्त तो सब साहब जी आप लोग को सबको पता है, उस टाइम में तत्कालीन आयुक्त तो मिसाल साहब थे, मिसाल साहब थे। और महाविकास आघाड़ी की सत्ता आने से पहले ही अमोल यादव को यहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर भेज दिया था, ये काम के लिए ही भेजा गया था उसको।
उनको, जैसे ही डिक्लेयर किया 14 दिन में 5वां दिन में निकल गए यहां से। कल के हियरिंग में यह हुआ कि चीफ जस्टिस के सामने थी केस, उनकी मंडे को डेट है, उनको कुछ टाइम नहीं था। वो 8-8, 10-10 साल के जो पेंडिंग केसेस थे, पीआई रीड नहीं लिया, सिर्फ पीआई उन्होंने लिया, और फिर वो टाइम निकलने के बाद में उन्होंने मंडे की तारीख दे दी हुई, दी गई हुई मंडे, वो फाइनल नहीं है, वो प्रारूप के लिए भेजा हुआ। यस, वो देना 53 दिन ऑर्डर दिया है, उसमें ऑर्डर दिया है, वो जो इन लोगों से ऑन रिकॉर्ड लिख के लिया है ना, वो ऑर्डर भी दिया हुआ है हाईकोर्ट को, उसके अंदर दी हुई है। ये एग्जिबिट के 326 आप लोग को दी हुई है, ये रियलिटी जो हिसाब से आरक्षण होना चाहिए वो हिसाब से हमने हाईकोर्ट में दिया हुआ है एग्जिबिट के 326। और आप जनता का भला के लिए आप काम करते हैं तो आप भी इसके अंदर मेरे साथ में आना चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका स्टडी अच्छा है, तो आप मेरे साथ में वहाँ पे कोर्ट में आके आप भी रिपिटिशन करिए, मैं आपके साथ में हूँ। सर देखिए, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो इलेक्शन, जो आरक्षण डिक्लेयर किए गए, वो पूरा उन लोगों ने निवडणूक आयोग के आयुक्त, नई मुंबई की जनता का, और यहाँ के जो कार्यकर्ते हैं उन लोग को पूरी तरह दिशा भूल करके पूरा गलत आरक्षण निकाला हुआ है, क्योंकि निवडणूक आयोग का आदेश है, अध्यादेश है, राइटिंग में अध्यादेश है कि लिखा हुआ है उसके अंदर कि 2011 का जनगणना के हिसाब से आरक्षण तुम लोग को रखना है। इन लोगों ने अध्यादेश में दिया है 2005, 2010, 2015 और 2020। जब भी निवडणूक आयोग के अध्यादेश में ही लिखा है कि 2011 का जनगणना के अनुसार करना है, तो 2005 का सवाल किधर उठता है, 2010 का सवाल किधर उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। उसके अलावा निवडणूक आयोग के अध्यादेश में ही लिखा हुआ है कि रोटेशन पद्धत होना चाहिए SC NT वार्ड का, तो रिपिटिशन ही दाखिल हुआ है 2006 में, और 2007 में उसका रिजल्ट लगा हुआ है औरंगाबाद खंडपीठ हाई कोर्ट का कि SC NT का भी रोटेशन होना चाहिए। और जब भी रिजल्ट ही 2007 में आया है, पिटिशन ही 2006 में डाला हुआ है, तो हमारी कॉरपोरेशन की इलेक्शन 2005 में हुई है, तो 2007-06-07 का रिजल्ट आया हुआ 2005 को कैसे लागू होएगा, इतना तो सेंस होना चाहिए। उसके अलावा 2011 में ये जो हाई औरंगाबाद खंडपीठ ने जो निर्णय दिया गया, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन 1949 एक्ट, BMC एक्ट में 2011 में आया है, तो 2010 का भी नहीं लगेगा, तो 2005 से कहाँ पे आया। अगर 2010 का एक्ट 2011 में एक्ट आया है तो लागू कभी होएगा न्यू बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, 2015, और 2015 से अगर लागू होता है तो 2015 में जो वार्ड सबसे ज़्यादा लोकसंख्या थी जो वार्ड में, वो वार्ड जो 2015 में लगाया वो निकाल दिए, फिर 2015 में वो जो लगाए थे उससे कम आए वो आते हैं, तो जितने भी SC NT वार्ड पूरे नई मुंबई में लगे हुए वो आएंगे ही नहीं है, क्योंकि उनका नंबर आने के लिए और 10 साल लगेगा, तो 2021 का तब तक जनगणना आ जाएगी। सब गलत करके रखा हुआ है, और एक जो गलत करके रखा है, ये गलत व्हाइट हाउस ब्लैक हाउस में हुआ है, और उनको साथ दिया हुआ है निवडणूक आयोग के उपायुक्त अविनाश सनस, नवी मुंबई महानगर पालिका के उपायुक्त अमोल यादव और तत्कालीन आयुक्त मिसाल साहब, क्योंकि निवडणूक आयोग के अध्यादेश में क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रक्रिया करते वक्त एक कमेटी नियमनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए, कमेटी नियमनी चाहिए, और वो कमेटी नियमते वक्त
कमेटी जो नेमनी चाहिए गठित करनी चाहिए वो कमेटी पे उत्कृष्ट काम करने वाले प्रामाणिक अधिकारी को ही वो कमेटी में लेना है और वो कमेटी नेम के वो काम करना है। इन लोगों ने गलत काम कर रहे करके व्हाइट हाउस ब्लैक हाउस में जाके काम कर रहे करके वो कमेटी में जो एक अतिरिक्त आयुक्त देखिए वहाँ पे जिस टाइम में ये लॉटरी सिस्टम हो गई तभी एक भी वहाँ पे अतिरिक्त आयुक्त नहीं थे क्योंकि जो एक अतिरिक्त आयुक्त एक कमेटी पे लिए हुए थे जब भी ये सब प्रक्रिया कर रहे थे व्हाइट हाउस में जाना व्हाइट हाउस में आना उसके पहले व्हाइट हाउस में जाने से पहले जो 1G 2G 3G ये तत्कालीन आयुक्त के बंगले पे भी जाते थे। उस टाइम में वो अतिरिक्त आयुक्त जो कमेटी पे थे भंडारी साहब उन्होंने आयुक्तों को कहा कि साहब ये निवडणूक प्रक्रिया है ये सब क्यों कर रहे हो वहाँ पे क्यों जाना है अगर ये सब किसी को मालूम पड़ा तो इंक्वायरी होगी तो हम लोग सस्पेंड होएंगे तो ऐसा मत करिए। तो उनको बोला तुमको क्या करने का तुम तुम्हारा काम करो। उन्होंने सीधा बोल दिया भंडारी साहब ने अगर यही करना है तो मुझे एक कमेटी में नहीं रहना है मुझे आउट कर दो और वो आउट हो गए। तो एक अतिरिक्त आयुक्त जब इस प्रक्रिया से आउट होता है तो इसका मतलब क्या होता है तो ये जो कुछ किया हुआ है ये सब गलत काम किया हुआ है और ये गलत काम करने वालों के ऊपर इनका ब्रेम मैपिंग लेना चाहिए। ब्रेम लैक मैंने जो बोला 1G 2G 3G और जो उपायुक्त निवडणूक आयोग उपायुक्त नई मुंबई महानगर पालिका और आयुक्त इनका ब्रेम मैपिंग लेके अगर वो ब्रेम मैपिंग के अंदर ये मैंने कहे हुए ये जो किया हुआ है वो उनके ब्रेन मैपिंग अगर स्पष्ट नहीं हुआ तो मुझे न्यायदालन के ऊपर जो कलम रहते हैं वो कलम के तहत मुझे जो सजा वो मैं सजा लेने को तैयार हूँ। 100% सबके बदले गए। आप देखो नवीन गौते का तीनों वार्ड लेडीज कर दिया हमारे तीनों वार्ड लेडीज कर दिए। सिस्टम क्या है जेंट्स लेडीज होना चाहिए ये जानबूझ के हमारे वार्ड में तो साहब जी जो वार्ड क्रमांक 16 जो है उसमें SC संख्या जो दिखाई है उन्होंने दिखाई है गलत दिखाई है उसके बावजूद भी मेरा SC वार्ड नहीं होता उससे भी ज़्यादा लोक संख्या दूसरे वार्ड में फिर भी हमारा वो वार्ड SC किया हुआ है। 2011 के इसमें उतनी लोक संख्या नहीं थी हमने 2020 में जब ये डिक्लेयर करने के बाद में हर घर में जाके SC कितने हैं NT कितने हैं OBC कितने हैं वो निकालने का बावजूद भी 2020 के जनगणना में भी जो लोक संख्या दिखाई उन्होंने 2011 की उतनी नहीं आ रही है। तो नवीन गौते को नहीं रखा हुआ है वहाँ पे सुधाकर सोनोने को नहीं रखा हुआ है वहाँ पे आनंद सुतार को नहीं रखा हुआ है वहाँ पे हमें नहीं रखा हुआ है द्वारकानाथ भोईर को नहीं रखा हुआ है किशोर पाटकर को नहीं रखा हुआ है विठ्ठल मोरे को नहीं रखा हुआ है नामदेव भगत को नहीं रखा है सोमनाथ मात्र वास्कर को नहीं रखा हुआ है वो हमारी जो और अच्छी बात करने वाली जो हमारी सरोज पाटिल थी उनका अभी वो गाँव उसको भी SC कर दिया है। जो हाउस में अभ्यास वृत्ति के जो थे जो हाउस में अच्छी तरह से बात करने वाले थे उनको सबको उड़ा दिया है। तो ये कहाँ का तरीका है हमारे दीघा से घनसोली तक कुछ 37 वार्ड है वो 37 में से कुछ 29 वार्ड तो लेडीज कर दिए। ये लॉटरी सिस्टम कैसी होती थी 4-5 घंटा प्रक्रिया चलती थी इस बार कितना का चला है ज़्यादा मुश्किल से 1.25 घंटा चला है। सब लॉटरी कहाँ पर निकाली है जो SC NT वगैरह जो करके वो सब करके हो गया और 5-6 लोगों का चिट्ठी डाल दिया और बोल दिया इतने वार्ड ये हो गए इतने वार्ड ये हो गए। ये इसको प्रक्रिया नहीं बोलती है क्योंकि 20 साल से हम लोग भी कॉरपोरेशन में है इस तरह से प्रक्रिया नहीं होती है। और हमारा वार्ड क्रमांक 16 उधर प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम प्रक्रिया होने से पहले हम लोग जैसे उष्णज भाव गुट नाट्यक्रम में घुस रहे मेरे हाथ में थमा दिया तुम्हारा वार्ड क्रमांक 16 SC हो गया। इसके पीछे भी उनका प्लानिंग था कि अगर वो मेरे हाथ में देगा तो मैं वहाँ पे कुछ हंगामा करूँगा फिर निवडणूक प्रक्रिया में मैंने कुछ गड़बड़ी किया करके मुझे अरेस्ट करो ये प्लानिंग था उन लोग का। ऐसा जहाँ तक आप लोग की जानकारी के हिसाब से डायरेक्ट हाथ में जैसा हम आते हैं विष्णुनाथ भवन नाट्यगृह में और घुसते हैं वैसा ही कोई आरक्षण देता है कि हाथ में वहाँ भी डिक्लेयर होता है। नाट्यगृह के अंदर में जो स्टेज रहता है स्टेज के सामने पब्लिक बैठी रहते उसके सामने ये होता है उससे पहले मेरे हाथ में दिया है। टक्का साहब जी जो कहते कहीं उनके जो भक्त है वो बोलते हैं 25 साल की सत्ता एक ही विश्वास से दिया ये विश्वास है उन लोग का। और हर वार्ड में मैं भी 15 साल वहाँ पे काम किया है ना उनके साथ में
15 साल में हमको पता है हर वार्ड में मिनिमम 500 से 600 से बोगस वोटिंग ये लोग डालते हैं। इसके पहले भी खासदार के इलेक्शन में 25,000 राशन कार्ड पकड़े गए ना, किसके पकड़े गए? यही तो राज है। स्टेटस यह है इन लोग को जो निवडणूक आयोग और नगर पालिका को कोर्ट टाइम नहीं दे रही थी, इन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड लिख के दिया है कि जब तक इसका ये नहीं फैसला नहीं होता है तब तक हम लोग फाइनल यादी डिक्लेयर नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने लोगों ने ऑन रिकॉर्ड लिख के दिया, मैंने वो पेपर आपको दिए हुए, और अभी सोमवार के दिन तारीख है, देखते हैं क्या होता है। जब ये सब इतना दिया है, इतना ही सामने है, तो हमने कहा है कि पूरा आरक्षण जब 2011 का, अगर 2011 में बीएमसी एक्ट आया है तो 2011 के हिसाब से होना चाहिए, 2005-2010 से कैसे होएगा? तो बात आप जो बोल रहे हैं बीपीएमसी एक्ट और एनएमएमसी का एक्ट ही नहीं है सब, महाराष्ट्र जो काम का जो चलता है वो बीपीएमसी एक्ट के चलता है। 1949 जो एक्ट है वो बीएमसी के माध्यम से एक्ट होता है, और वो जो इम्प्लीमेंटेशन जो करने का रहता है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो देते हैं। तो 2011 में बीपीएमसी एक्ट में वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 2011 में आया हुआ है रोटेशन का। वो भी रोटेशन जो करना है वो सिंगल के लिए नहीं है, जो निर्णय दिया है औरंगाबाद खंडपीठ ने, हाईकोर्ट ने वो जो दिया है वो रोटेशन के लिए दिया हुआ है। और रही बात आपने और क्या सवाल पूछा मुझे, मैं शुरू से जब भी हम लोगों ने एक केस डाला हुआ था, जिस दिन केस दाखिल किया उस दिन से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहता था, लेकिन कोरोना का वजह से हम लोग ले नहीं पाए, रुक गए। अभी कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना ख़त्म होने की वजह से मैंने लिया हुआ है, और मैंने जो लिया हुआ है वो मैं हवा में नहीं बात करता हूँ। एमके मरियो को हवा में बात करने की आदत नहीं है। जो मैंने कुछ है पेपर सामने रखा है, और जो भी मैंने कुछ बात की है वो निवडणूक आयोग के अध्यादेश के जो निकाला हुआ है उसके ऊपर ही किए। अगर वो निवडणूक आयोग का अध्यादेश ही अगर गलत है तो उसके ऊपर ही मैंने सब ये किया हुआ है, और मैंने पूरे पेपर आप लोग को दिए हुए हैं। अगर ये सब नहीं होता था तो कोर्ट इन लोगों से ऑन रिकॉर्ड लिख के नहीं लेती थी कि बाबा जब तक इसका नहीं होता है फैसला तब तक तुम जो मेन यादी है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट ने इतना तो डिसीजन दिया था। ये लोग अभी चल रहा है, अभी मंडे को उसका रिजल्ट आ ही जाएगा, और हमने मांग की है कि पूरी प्रक्रिया है वो फिर से करो। ये सेम कई सिचुएशन होने की वजह से कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी एक ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की फिर ये किया हुआ है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। तो हमें इतना ही कहना है जो भी कोई चुन के आता है कौन से भी पार्टी का, जो पब्लिक जिसको वोट करेगा उसको चुन के आने, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? तो तुम लोग यही करते आए हो ना, यही करते आए, 25,000 राशन कार्ड क्यों पकड़े जाते हैं? और आमदार के लिए कितना सीट से कितना वोट से चुन के आते थे? 8,000। हमने आयरोली विधानसभा का जो 38,000 बोगस वोटिंग थे हमने कलेक्टर को दिए। अगर 38,000 में अगर 12,000 अगर बोगस वोटिंग होता है तो आते ही कितना वोट से? 8,000 से। 8,000 भी नहीं, अगर वही 8,000 में से 4,500 दूसरे को गिरता है तो वो 250 से चुन के आते। तो ये अगर ये बोगस वोटिंग नहीं होती है, ये सब पारदर्शक होता है, तो ये लोग चुन के ही नहीं आएंगे, करके ये सब कर रहे हैं। ओके, लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।